सुप्रभात बच्चों, अभी तक की हिंदी क्लासेस में हमने पढ़ा दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्द, कैसे अलग अलग अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं। आज उन्हीं का अभ्यास हम करेंगे। चलिए आइए। अभ्यास, सही उच्चारण करो। उच्चारण मतलब उसको बोलना है, जो लिखा है उसका सही तरीके से उसको उच्चारण करना, उसको बोलना है। आइए बढ़ते हैं। फ और ल दोनों को मिलाकर बना फल। क म ल कमल। अ ज ग र अजगर। घ र घर। इ ध र इधर। उ प व न उपवन। ब स बस। अ म न अमन। न ट ख ट बन गया नटखट। स च सच। ब त ख बतख। क ट ह ल कटहल। तो हमने दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर वाले शब्द का सही उच्चारण किया। अब देखते हैं चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर ये वाला निशान लगाना है, टिक लगाना है। निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे हैं आप, दो चित्र बने हैं, हमें देखना है उसका कौन सा सही नाम है और सही नाम के आगे हमें टिक लगाना है, सही चिन्ह लगाना है। ठीक है, आप बता पाएंगे? देखिए, ये यहाँ पर एक तालाब में एक फूल खिला है। ये कौन सा फूल है, इसका नाम क्या होता है? पढ़ते हैं। क म ल कमल या फिर क ल म कलम, इन दोनों में से कौन सा इसका नाम है, कमल या फिर कलम? कमल, बिल्कुल सही। तो हम कमल के आगे टिक लगा देंगे। और ये तो नहीं सही है, ये गलत है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा चित्र। ये चित्र क्या है, एक कोट जैसा बना है, लंबा कोट, क्या बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था ना, अ ज ग र अजगर, अजगर बोलते हैं, या फिर अ च क न अचकन, इन दोनों में से क्या बोलते हैं इसको, इस चित्र का नाम क्या है, अजगर या फिर अचकन? सही जवाब है अचकन। वेरी गुड, अ च क न अचकन, ये सही है तो हम इसको टिक कर देंगे, ये गलत है तो इसको हम क्रॉस लगा देंगे। अब एक और कार्यपत्रिका हम करेंगे। आइए देखते हैं, अक्षरों को मिलाकर लिखो। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हैं, हमें उनको मिलाकर जॉइन करके नया शब्द बनाना है। चलिए करते हैं। स और दूसरा अक्षर है ब, अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे स और ब, तो मिलाकर क्या बन गया, मिलाकर बन गया सब। फिर से देखते हैं, हमने लिखा स और लिखा ब, स ब को मिलाकर बन गया सब। म ट र, यहाँ पर कितने अक्षर लिखे हैं, तीन अक्षर, कौन कौन से, म ट और र, अगर हम तीनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। म ट और र को हमने एक साथ लिखा तो बन गया मटर। यहाँ पर देखिए कौन कौन से अक्षर लिखे हैं, अ द र और क, हम इन चारों अक्षरों को एक साथ लिखते हैं। पहले हमने लिखा अ, दूसरा अक्षर कौन सा है, द, उसके बाद र और उसके बाद क,
चारों अक्षरों को मिलाकर बना अदरक। पहला अक्षर क, उसके बाद ल और उसके बाद श। अगर हम इन तीनों को एक साथ लिख दें क ल और श, क ल और श तीनों को मिलाकर बन गया कलश। शब्द पहेली पूरी करो। अरे वाह, ये तो पहेली है, चलो इसको सुलझाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है इस बॉक्स में? यहाँ पर कितने बॉक्स बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 पांच बॉक्सेस बने हैं। अब लेकिन इस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। अब हमें इसको भरना है, लेकिन सही अक्षर से भरना है। इस तरीके से यहाँ पर अक्षर लिखना है जिससे अगर हम ऐसे देखें, लंबाई में देखें, तो भी कुछ शब्द बनना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। और अगर हम ऐसे पढ़ें तो भी उसका कुछ मतलब होना चाहिए उस शब्द का। तो कोशिश करते हैं ढूंढने की। यहाँ पर लिखा है ग, बीच में खाली, फिर म, ग डैश म, बीच में क्या लिखे? अगर हम लिखते हैं ट, ग ट म, गटम, गटम तो कोई चीज नहीं होती, नहीं होती ना। थिंग थिंग सोचो, अगर हम लिखे प, ग प म, गपम, गपम भी कोई चीज नहीं होती। अगर हम र लिखे तो, अगर हम यहाँ पे र लिखे तो बन जाएगा ग र म गरम। ऐसे तो ठीक हो गया, पर हमें ऐसे भी चेक करना है। तो अगर यहाँ पे र होगा न र म नरम, नरम का मतलब सॉफ्ट और गरम का मतलब हॉट। तो यानी कि दोनों तरीके से शब्द बन रहा है जिसका कुछ मतलब होता है। तो यानी कि र सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रा। अब पढ़ के देखते हैं, ग र म मिलाकर बना गरम। यहाँ पर लिखते हैं ग र और म मिलाकर बन गया गरम। और अगर हम ऐसे देखें न र म नरम, न र और म बन गया नरम, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प, खाली बॉक्स है अड़, यहाँ पर लिखा है अ, खाली बॉक्स है अड़। कौन सा अक्षर आए जिससे कि दोनों शब्द के कुछ मतलब बनते हो और दोनों सही हो? सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ, आप भी सोचिए। अगर हम ये वाला रा यहाँ पे भी लगाकर देखें, ट्राई करें, परड़, परड़, कुछ होता है परड़? नहीं होता ना, नहीं होता है। और कुछ ट्राई करें, ल ट्राई करें, पलड़, पलड़, पलड़ भी कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता। अगर हम का लिखे तो देखते हैं, अगर हम का लिखे तो क्या बन जाएगा? पकड़, 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 मतलब होता है ना पकड़ का। और अगर ऐसे देखें तो अकड़, अकड़, अकड़ का भी मतलब होता है ना। तो हम क लिख सकते हैं, लिखते हैं क। अब फिर से पढ़ के देखते हैं, पकड़, पकड़, अकड़, अकड़, लिखे यहां पर प क ड, बन गया पकड़। और ऐसे अ क ड, बन गया अकड़। सही है ना दोनों? दोनों को टिक कर देते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। ऐसे ही आपको पढ़ना है और अभ्यास करते रहना है। मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय।